नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर न्यूज़पेपर में आई है, यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए। ठीक है, कुछ बातें हैं जो अखबार में आई हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में दो काम करेंगे। पहला तो हम ये देखेंगे कि क्या खबरें आ रही हैं कि एग्जाम कब होगा, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। और दूसरा जो रहेगा सेक्शन रहेगा इस वीडियो का, उसमें हमने जो 93 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो यूपी पीसीएस का था, ठीक है, मैं जो मैंने वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले, जो कि किसी कारण से वॉइस नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी, उसको भी आज हम देख लेंगे पूरा कि भाई क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो अगले 2 महीने में अगर आप कवर करते हैं तो पीसीएस का पेपर आप क्रैक कर ले जाओगे, बहुत संभावना रहेगी। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, मैंने बहुत रिसर्च करके इन टॉपिक्स को लेकर आया हूँ। 93 टॉपिक्स हैं, यकीन मानिएगा कि आप कम से कम 70 से 75 क्वेश्चन आपको इजिली मिल जाएंगे इन टॉपिक्स से, आपको बस टॉपिक खत्म करना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं खबरें क्या आई है, थोड़ा देखते हैं इसके अंदर। यूपी पीसीएस को लेकर बड़ा समस्या चल रही है, काफी कंफ्यूजन था। तो जैसे आप देख रहे हैं कि पेपर में पीसीएस प्री परीक्षा अब 7-8 दिसंबर को होगा, 7 से 8 दिसंबर को यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा, ऐसा आयोग ने कहना है। ठीक है, 7-8 दिसंबर को है, पहले ये अक्टूबर में था, 7-8 दिसंबर को होना है। यहां पर दो चीजें समझने वाली बात है कि 2 दिन हो रहा है, अभी भी 2 दिन हो रहा है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, जिस बात को लेकर विरोध कर रहे थे छात्र लोग कि भाई नॉर्मलाइजेशन ना करो, ठीक है, क्योंकि इसमें दिक्कत आ जाती है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, या जो मेरा मानना है, जो कि इसकी 99% तक संभावना है कि चाहे कितना भी ट्रांसपेरेंट रहेगा मैटर, आयोग अगर अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर दे और सब कुछ बढ़िया रहे, सब कुछ ठीक भी रहे, तो भी मुझे लगता है कि जो असफल होंगे छात्र उनका कोर्ट में जाना लगभग तय है, मुझे ऐसा महसूस होता है। क्योंकि कुछ ऐसे सेक्शन ऑफ पीपल रहेंगे, स्टूडेंट्स रहेंगे, जो कि अनसेटिस्फाइड रहेंगे और वो कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि अभी तक कोर्ट ने इस ऐसे मैटर पे कोई जजमेंट नहीं दिया, कोर्ट कोई इतिहास नहीं रहा है, तो संभावना है कि मैटर जा सकता है और थोड़ा खिसक सकता है चीजों को लेकर, ऐसा मेरा मानना। मैं ये नहीं कह रहा 100% होगा, लेकिन जो अनुभव मेरा रहा है आयोग के साथ पीसीएस का, जिसमें कि लोग बहुत जल्दी कोर्ट के चले जाते हैं, तो संभावना है कि क्योंकि पहली बार नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो कुछ लोग जो असफल होंगे वो पक्का जाएंगे कोर्ट में। क्योंकि यहां पे एक बड़ा मसला है, यहां समझिएगा कि नोटिफिकेशन के अंदर नॉर्मलाइजेशन का कहीं जिक्र नहीं था। नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन आपका जनवरी में जारी हो गया था, ठीक है, उस समय नॉर्मलाइजेशन नहीं था। अब बिना नॉर्मलाइजेशन, बिना नोटिफिकेशन में ये बात किए हुए आप बीच में ये अपना अमेंडमेंट कर रहे हो, एडिट करके काम कर रहे हो, तो कोर्ट किस तरह से देखता है, क्या होगा, ये कोर्ट बताएगा। हो सकता है कोर्ट एग्री कर जाए, हो सकता है कोर्ट डिसएग्री कर जाए, जो भी करे वो कोर्ट बताएगा चीजों को लेकर, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत संभावना लग रहा है, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है कि चीजें होंगी, ऐसे कोर्ट में जाएंगी इसके अंदर, ठीक है, देखते क्या होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि 7 से 8 दिसंबर की बात हो रही है, 2 पारियों में होगा, एक 7 तारीख को 9:30 से 11:30, फिर 2:30 से 4:30 बजे के बीच में परीक्षा रखी गई है, ठीक है। और यहाँ पर लगभग 50 जिलों में डीएमओ से बात कर ली गई है, वो लोग अपना जो भी अवेलेबल है केंद्र, उनको दे दिया जा रहा है, वो भी ठीक है। यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। नॉर्मलाइजेशन को हम बोल सकते हैं कि एक तरह का शॉर्ट ऑफ स्केलिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। देखिए, घबराना नहीं है इसके अंदर, ऐसा मत कि घबरा जाए आप लोग कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव एक सेंस में होगा कि जब आप पेपर देकर आओगे, चाहे कितना भी अच्छा पेपर क्यों ना हो जाए आपका, आप श्योर नहीं रहोगे कि आपका का कट ऑफ निकलेगा नहीं निकलेगा, ये तय है। आप मान लीजिए 95 क्वेश्चन करके आ गए, ठीक है, राइट करके आ गए 95, सब बढ़िया रहा, लेकिन आप तब भी श्योर नहीं हो, कि आपको नहीं पता कि आपका जो पेपर है वो आसान वाला है कि मुश्किल वाला है, कौन सा है। हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर कम हो जाए, तो आप श्योर नहीं रह पाओगे इस बात को लेकर। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ जास्ती होगी, बट आप श्योर नहीं हो पाओगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक अलग प्रोसेस होता है, ठीक है, तो वो एक मसला रहेगा। अब उसमें क्या होगा कि प्री से मेंस के बीच में तैयारी करने का जो रहता है ना, वो थोड़ा सा रहेगा, खासकर वो लोग जो 90-92 या 88-89 क्वेश्चन के आसपास फंस रहे होंगे, जो कट ऑफ के आसपास, वो सब थोड़ा सा ना डाइलेमा में रहेंगे, यार मेंस पढ़ें कि क्या करें क्या ना करें, तो एक वो सिचुएशन रह सकती है। दूसरा क्या रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन का कहने क्या है कि कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि आप एवरेज से ज्यादा रहो। एवरेज लोगों, लेट सपोज आपके जो ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप पेपर दे रहे हो, उसका एवरेज जो है वो 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन रहा है, ठीक है। तो अगर आप एवरेज से ज्यादा रहोगे तो नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा हो जाएगा, अगर आप एवरेज से ज्यादा रहोगे।
अगर आप एवरेज से कम जाओगे तो आपको नॉमिनेशन का नुकसान हो जाएगा, ये फंडा रहता है इसके नॉर्मलाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो आपको बस जो आप काम कर रहे हो वही कर रहे हैं, आपको शिद्दत से पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, और भगवान से दुआ करनी है कि आपका जो है नॉर्मलाइजेशन में आप पॉजिटिव रहो और चीजें आपके अकॉर्डिंग हो, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई के सिवा कुछ आप कर सकते नहीं, कुछ चीजें आपके हाथ में है नहीं, ठीक है। चलिए यहां तक तो हो गया, बाकी कुछ होगा, बाकी अभी भी वो जो विद्यार्थी जो अभ्यार्थी जो आपत्ति उठा रहे थे अभी वैसे का वैसे ही है, 2-3 दिन के अंदर इसके बारे में ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि जो टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट वो हम पढ़ेंगे, उसको देखते क्या है वो, ठीक है। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे कि 93 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कौन कौन से रहने वाले होंगे, देखिएगा इसमें, ठीक है। पहले मैं इसमें बताया था मैंने आपको पहले वाले वीडियो में कि भाई 150 क्वेश्चन आएंगे, तो आप 80% एक्यूरेसी में रखिएगा, वो आप देख लीजिएगा, ज्यादा डिस्कस दोबारा नहीं करूंगा। कुल मैं समझिएगा कि 115 से 120 क्वेश्चन से ज्यादा आपको अटेम्प्ट करने नहीं है, ठीक है। और आपका जो है वो इजी से मीडियम क्वेश्चन के पास जाइएगा, जैसे कि आपका इजिली जो है 90-96 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाओ। इसके बारे में डिटेल में मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया, आप प्लीज वाला वीडियो देख लीजिएगा। यहां पर हम अभी आज डिस्कस सिर्फ और सिर्फ जो करेंगे वो डिस्कस करेंगे मोस्ट फेमस टॉपिक्स फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, 5 साल में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहे हैं उसको फटाफट एक बार देख लेते हैं कि आपको इन टॉपिक्स को ही पढ़ना है, ना सिर्फ घटना चक्र से पढ़ना है बल्कि कोई स्टैंडर्ड किताब है तो उससे पढ़ना है। यकीन मानिएगा कि इन 93 टॉपिक में से यकीन मानिएगा मोर देन 80 क्वेश्चन फंसेंगे, ये मैं लिख के देता हूं, प्लीज मानिएगा। हो सकता है वो रिपीट सवाल फंसे, हो सकता है कि वो नए सवाल फंसे, लेकिन फंसेंगे। अभी क्योंकि मात्र 2 महीने रह गए हैं, आप इन टॉपिक को एक्स्ट्रा फोकस के साथ पढ़िए, बाकी भी पढ़ना जरूरी है लेकिन इनको पढ़िए, आप यकीन आपको बहुत बहुत फायदा होगा इसका, ठीक है। मैं फटाफट स्टार्ट करता हूं, बाकी कोई दिक्कत होगी तो मैं नीचे नंबर फ्लोट हो रहा है, आप इस नंबर में मुझे कॉल कर सकते हैं मुझे आप, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन साइट्स एक्सकेवेटर्स मटेरियल फाउंड। एक चीज और भी है, जिन लोगों को भी ये चाहिए पीडीएफ तो मैंने अपने टेलीग्राम पीसीएस गुरुजी के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा कि इन टॉपिक्स का कहानी क्या है कि इन टॉपिक्स में मैं यहां पे देखिए इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए लास्ट के 2 महीने के अंदर बहुत एक एक्सप्रेस क्रैश कोर्स दिया गया है कि 93 टॉपिक्स का स्टडी मटेरियल, ठीक है। यहां पे देखिएगा स्टडी मटेरियल है, ठीक है। इसको वीडियो के रूप में है, पीडीएफ के रूप में है, ठीक है, और वीडियो भी है। टेस्ट, घटना चक्र टेस्ट जो है इन सब मिलाकर जो है पूरा ये 93 टॉपिक कवर कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसकी जो फीस है मात्र 999 रुपए है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। और यकीन मानिएगा मैं अभी भी कह रहा हूं, ये मेरे वचन है कि 80 क्वेश्चन से ज्यादा आपको एग्जाम में दिखेंगे, अगर आपने वही ठीक कर दिया एग्जाम क्रैक हो जाएगा। खुद कर सकते हैं, ये टॉपिक मैं दे रहा हूं, खुद कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वन डे एग्जाम कर रहे होते हैं, कॉन्टेंट मटीरियल नहीं होता, पीसीएस स्पेसिफिक मटीरियल नहीं होता। अगर ये दिक्कतें आपको आ रही हैं तो फिर आप प्लीज इसको रेफर कर लीजिए, आपको कॉन्टेंट में समस्या जा सकती है। बायलिंगुअल रहेगा, दोनों भाषा में रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, आपका भला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस नंबर में दे रखा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब भी हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं खाएंगे। एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, आईवीसी साइट्स एक्सकेवेटर्स मटेरियल फाउंड, वैदिक वेदास, ब्रह्म ब्राह्मण संहिता, उपनिषद, ओल्ड नेम ऑफ रिवर्स, ये सब टॉपिक हैं, ये सब आप घटना चक्र में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, सब टॉपिक मिलेंगे। फिलोसफर एंड फिलोसफीज, बुद्धिज्म के ऊपर सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कौन चाहे काउंसिल हो, चाहे प्लेस हो, चाहे पीपल हो, सेक्ट्स हो, ठीक है, सब मिल जाएगा। जैनिज्म भी बहुत बढ़ता, तो ये तीनों में से तो 2 क्वेश्चन तब तक आएंगे, वैदिक बुद्धिज्म और जैनिज्म से 2 क्वेश्चन तब तक आने वाले हैं। महाजनपद आ गया, अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आना ही आना है, चाहे वो रॉक एडिक्ट से आ जाए, चाहे उसके एडमिनिस्ट्रेशन से आ जाए, आना ही आना है। गुप्ता पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त 1-2 लिख लीजिए, समुद्रगुप्त है, कुमार गुप्त है, स्कंद गुप्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बुक्स एंड ऑथर। तो मैंने क्या कहा, एंशियंट हिस्ट्री का बहुत स्पेसिफिक पोर्शन लिया, और यकीन मानिएगा 6 सवाल आते हैं आपको, 6 में से आपको 4 सवाल 100% इन्हीं टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। ये मैं आप अगर आप पुराना पेपर देखेंगे 2023 का पेपर देखेंगे आपको दिख जाएगा, समझे मैं लिख के देता हूं, जाके इस वीडियो के बाद देखिएगा, आपको 6 में से 4 सवाल आपको इन्हीं टॉपिक में दिख जाएंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़िए, मेडिवल हिस्ट्री देखते हैं, बहुत कम पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। चोला साम्राज्य पढ़ना है, राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, और टेंपल्स के बारे में पढ़ना है, टेंपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, बलबन हो गया, सल्तनत काल हो गया, खिलजी हो गया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसकी इकोनॉमिक्स हो गई, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, फरोशा तुगलक हो गया, सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन हम ले लेंगे पूरा, ठीक है। ऑफिशियल क्या ऑफिशियल है, क्या काम करते हैं, डिपार्टमेंट क्या है, वर्क क्या करते हैं, उस सब आ जाएगा, बहुत बहुत क्वेश्चन है, चाहे वो मुगल के हों, चाहे वो सल्तनत काल के हों, कौन से ऑफिशियल्स क्या काम करते हैं, वो सवाल आ जाता है, ठीक है।
वही विजयनगर साम्राज्य के साथ भी है, उसके फाउंडर जो हरिहर बुक्का है उसके बारे में पढ़ना है, कृष्णदेव राय बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेवलर्स कौन कौन से आए वो बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ में उस उनकी भाषा के जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या काम करते हैं, ये तो जो सल्तनत काल हो चाहे मुगल काल हो चाहे विजयनगर साम्राज्य हो, ऑफिशियल्स और वर्क दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं एग्जाम में। राइटर्स एंड बुक चाहे एंशियंट हिस्ट्री हो चाहे मेडिवल हिस्ट्री हो चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो चाहे करंट अफेयर्स हो, ऑथर एंड बुक के ऊपर सवाल बहुत आते हैं, तो प्लीज ढंग से कॉन्शियसली तैयार रखिएगा। बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मध्यकालीन भारत, बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। ये क्वेश्चन आने आने, एक दो क्वेश्चन आने आने इसके अंदर से। सूफिज्म भक्ति मूवमेंट आ गया, उसके सिलसिले हैं सेक्ट्स एंड फाउंडर्स हैं, रामानुजन रामानंद कबीर दद्दू नानक चैतन्य मीराबाई सूरदास तुलसीदास सेंट्स, कौन सेंट्स कहाँ किस स्टेट में है और कौन से किसने क्या सेक्ट फाउंड किया, ये पूरा इसके अंदर जाएगा। तो भक्ति मूवमेंट हो गया, सूफी मूवमेंट हो गया, ठीक से पढ़ के जाइएगा, अच्छा सवाल बन जाता है इसके अंदर। मुगल तो जानते ही इंपॉर्टेंट है, मुगल है अकबर है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बिल्डिंग्स हो गई शाहजहां की बिल्डिंग हो गई, औरंगजेब का हो गया, ऑफिशियल वर्क है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। फिर मुगलों के कॉम्पिटिटर्स मराठास, मराठाओं के जो संधियां हुई हैं, मराठास की जो वॉर्स हुई हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो मराठा ने कोई कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है, कुछ एक आधा किले बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी जो संधियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजीराम प्रथम बाजीराम द्वितीय बाकी सब जो लिखे उन्होंने क्या क्या काम किया हुआ वो सब इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एंग्लो फ्रेंच वॉर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब कब कौन कौन से टाइम पे कौन कौन से वॉर्स हुई हैं, ठीक है। बंगाल जो है 1917 प्लासी के युद्ध के बाद, 1757 के बाद प्लासी क्या हुआ, बक्सर क्या हुआ, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या क्या करा, वो सब आपको पढ़ना है। अलग अलग वॉइसरॉय ने क्या काम किया, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने भी वॉइसरॉय हुए हैं या जितने भी गवर्नर जनरल्स हुए हैं उन सबके बारे में, उनका उनके टाइम पर होने वाले कुछ महत्वपूर्ण काम को हमें पढ़ के आना है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैज द फॉलोइंग का सवाल बन जाता है। ट्राइबल मूवमेंट्स और पीसेंट मूवमेंट, यानी कि जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करके जाइएगा, एक सवाल 100% बनेगा 100% बनेगा इसके अंदर, हमेशा बनता जा रहा है। 1857 जो है उसका विद्रोह हमें देखना है, पूरा डिटेल पढ़ के जाएगा। फिर संविधान का कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिएगा। प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस के 1885 से पहले की कौन कौन सी जो नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन थी, चाहे इंडियन एसोसिएशन हो जाए या लैंड होल्डर सोसाइटीज हो जाए, अलग अलग मद्रास महाजन सभा हो जाए, वो सब ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा, और उसमें कौन कौन से लीडर्स हैं, उनका क्या क्या काम रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट है प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कांग्रेस आई उसकी कौन कौन से सेशन इंपॉर्टेंट रहे हैं, चेयरमैन कौन कौन से रहे और रेजोल्यूशन कौन कौन से पास किया, कराची रेजोल्यूशन ने क्या पास किया, सूरत स्प्लिट क्या हुई, ठीक है, कौन गांधी जी कौन से टाइम पर सेशन की अध्यक्षता की, ये सब आ जाएगा इंपॉर्टेंट। गांधी तो इंपॉर्टेंट है, गांधी को पूरा पढ़ना, बिना गांधी के तो पीसीएस बन ही नहीं सकते, ठीक है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं, भगत सिंह हो गए, सूरसेन हो गए, बाकी जो और लोग हैं उनके बारे में पढ़ना है, चेपेकर ब्रदर्स हो गए, खुदीराम बोस हो गए, भगत सिंह, सूरसेन, आजाद हिंद फौज, ये अपने आप सवाल इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। 12 सवाल आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से आपको, मॉडर्न हिस्ट्री से 12 सवाल में अगर इन टॉपिक्स को सीधे फोकस करते हो, मैं भी कहता हूँ 5 सवाल कहीं नहीं गए, आप ज्यादा मत इधर उधर भटकना, जो चीज आसान है उसको पहले फोकस कर लो, यकीन मानिएगा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें कम चाहिए, कम में हमारा भला हो जाएगा हमारा, ठीक है। पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी पे वैसे सब कुछ पढ़ना है, लेकिन ये कुछ 10-12 टॉपिक्स हैं जिनको स्पेशल ध्यान देना है, चाहे प्रीएम्बल हो, फंडामेंटल राइट्स हो, डीपीएसपी हो, प्रेसिडेंट हो, पार्लियामेंट हो, काउंसिल मिनिस्टर्स हो, गवर्नर हो, जुडिशरी हो, सेंटर स्टेट रिलेशन हो, एमरजेंसी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये सब मिलाकर लगभग 12-13 टॉपिक है, 25 सवाल आएंगे, 12-13 टॉपिक मैंने यहाँ दे दिए हैं, हो सकता है एक ही टॉपिक से 2-2 सवाल आ जाए, जैसे फंडामेंटल राइट से 2 सवाल आ सकते हैं आपको, ठीक है, इस तरह या पार्लियामेंट से 2 सवाल आ सकते हैं, वो रहेगा, कुछ सवाल करंट अफेयर्स से आएंगे, ठीक है। तो इन्हें तो करना ही करना है, लेकिन थोड़ा सा और देखना है, इन्हें कर लेंगे तो 12-13-15 सवाल 25-15 सवाल आपके बन जाएंगे, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा तो आपको एक्स्ट्रा बन जाएंगे, लेकिन कम से कम इतना तो करना ही करना है, ठीक है। पहले तो इनको कर लीजिएगा, उसके बाद कुछ नया पकड़िएगा। एनवायरमेंट की बात करते हैं, तो एनवायरमेंट देखिए ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, ये आपके 7-8 टॉपिक्स हैं, और एनवायरमेंट में कहानी है क्या है कि 12-15 सवाल एनवायरमेंट के आएंगे, जिसमें से मैं 8 टॉपिक दे रहा हूँ, 8 टॉपिक में 10-12 सवाल आपके बन जाएंगे, ठीक है। मुश्किल से 2-3 सवाल ही एक्स्ट्रा होंगे जो करंट अफेयर संबंधित होंगे, जो करंट सिनेरियो के, बाकी सब जीएस के सवाल आते हैं, और जीएस वाले सवाल इन टॉपिक से फंस जाएंगे, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, लगातार 3 साल में लगातार पूछा गया सवाल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चाहे बायोडाइवर्सिटी हो, ग्रीन हाउस गैसेस हो, क्लाइमेट चेंज हो, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हो, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क हो, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, पॉल्यूशन, जीएस का सवाल इससे बाहर नहीं आने वाला, नहीं आने वाला इससे बाहर, तो इन टॉपिक्स को ध्यान रख के चाहे घटना चक्र हो चाहे स्टैंडर्ड बुक किताबें हो, आपको पढ़ना है बस, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। कुछ करंट अफेयर्स के सवाल रहेंगे, वो तो करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो इसी टॉपिक्स को करंट अफेयर्स को जब देखोगे तो कुछ आपको एक्ट दिखाई देंगे, कुछ आपको कोई मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है, वो सब एग्जाम में आ जाएंगे आपको।
वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या है? यूनिवर्स है, रॉक्स है, अर्थक्वेक है, माउंटेन रेंजेस है, ग्रास लैंड है, डेजर्ट्स है, ओशन करंट्स है, रिवर्स ऑफ वर्ल्ड है, स्ट्रेट कैनाल्स, कोस्ट लिंक्स टू सीज है, एटमॉस्फेयर है, क्लाउड्स हैं, विंड्स एंड लोकल विंड्स हैं। 20 से 22 सवाल ज्योग्राफी के आएंगे, 10 से 12 सवाल आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी, 10 से 12 सवाल आपके कौन से इंडियन ज्योग्राफी। सिर्फ ये पढ़ के चले जाना भाई, सीरियसली कह रहा हूँ, सिर्फ आपका 80% सवाल लाइट हो जाएंगे इन टॉपिक्स को पढ़ के चले जाना। अगर आपको ज्योग्राफी बहुत बड़ी लगती है 8 से 10 सवाल आपको मिल जाएंगे इसमें से, ठीक है। इन टॉपिक्स को पढ़ के चले जाना, बहुत कम मैं आपको गागर में सागर बना के दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, माउंटेन रेंजेस, पासेस, पीक, ट्राइब्स, ड्रेनेज सिस्टम, सॉइल, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, माइंस एंड मिनरल्स, ठीक है। कितने 5 टॉपिक हैं, 8 से 10 सवाल आएंगे, ठीक है। कुछ करंट अफेयर्स के आएंगे, मैं करंट अफेयर्स नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, आपके 7 से 8 सवाल आपको बन जाएंगे इन्हीं टॉपिक, सिर्फ इन टॉपिक से बन जाएंगे आपके, यकीन मानिएगा इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं ये फिर नहीं यार, देखिए 15-20% सवाल जो है वो थोड़ा टफ होते हैं, जो रैंडमली कहीं से आते हैं, हमें रैंडम चीजों को नहीं पकड़ना, हमें रूटीन जो चीजें हो रही थी उसे पकड़ना है, अगर हम उनको पकड़ पाएंगे एग्जाम निकल जाएगा। फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में आपके साइंस से 25 सवाल आते हैं, फिजिक्स से कम से कम 7 से 8 सवाल आएंगे। यहां मैं 4 टॉपिक दे रहा हूं आपको, मोशन अंडर ग्रेविटी, लाइट, वेव मोशन, साउंड, स्पेस, डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये 5 टॉपिक में से अगर फिजिक्स से 8 सवाल आते हैं, इन 5 टॉपिक से 5 सवाल बन जाएंगे आपको, तो और क्या चाहिए आपको, 5 में से 5 बन गए, एक आता तो अगर आपको और बन गया तो 80% सवाल आप राइट कर ले जाओगे, ठीक है। केमिस्ट्री में बात करते हैं, 2 से 3 सवाल केमिस्ट्री के आएंगे, 3-4 टॉपिक में दे रहा हूँ, इन 4 में से 2 सवाल तो बन जाएंगे आपके। एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, अलॉयज, फर्टिलाइजर्स, इसमें फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉयज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 2 में से 1 सवाल तो बनेगा इसके अंदर, ठीक है। तो आपके अगर 3 सवाल आ रहे हैं तो 2 सवाल कहीं नहीं गए, इन सिर्फ 4 टॉपिक से 2 सवाल कहीं नहीं गए, ठीक है। बायोलॉजी की बात करते हैं, सब डिविजन ऑफ बायोलॉजी, क्लासिफिकेशन, सेल्स, जेनेटिक्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, प्लांट हार्मोन, प्लांट रिप्रोडक्शन, डिजीज, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, अदर्स, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन्स, ठीक है। ये टॉपिक है आपके, 12 टॉपिक हैं, 15 से 16 सवाल आएंगे, ठीक है। 12 टॉपिक दे रखे हैं, हर से 1 सवाल बन जाएगा, तो अगर सिर्फ इन्हीं को कर लेते हो आप, ठीक है, तो 12 के 12 सवाल आ जाएंगे आपके, 2-3 सवाल इधर उधर से आएंगे, होता है तो हो जाए, नहीं होता है कोई छोड़ देना, तब भी आप 70-80% साइंस के सवाल करके आ जाओगे, जो कि बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है आपका, ठीक है। इकोनॉमी की बात करते हैं, तो GDP, GNP, पर कैपिटा इनकम, NNP, कर्व्स, लॉरेंस कर्व हो या गिनी कोएफिशिएंट हो, मनी, बैंक, फाइवर प्लान, ठीक है। 10-12 सवाल आपको, 12 सवाल अगर देखते, अगर 20 सवाल देख लेते हैं, तो 20 सवाल में से 10-12 सवाल आपके करंट अफेयर से आते हैं, इसके इकोनॉमिक्स वाला, और 10-12 आपके जीएस से आते हैं, ठीक है। तो 8 सवाल जो जीएस से आएंगे, वो ये 5 टॉपिक बहुत है, इन 5 टॉपिक से आपके 5 से 7 सवाल आपके बन ही जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स में आपको बजट भी आता है, इकोनॉमिक्स से आपका इकोनॉमिक सर्वे भी आता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स से आपका इंटरनेशनल खबरें भी आती है, नेशनल खबरें भी आती है, वो सब भी आएंगे, लेकिन जो पोर्शन जीएस वाला पोर्शन है, इस जीएस वाला पोर्शन को इससे बाहर बहुत ज्यादा मत पढ़ना, ज्यादा टेक्निकल आता है नहीं, कम टेक्निकल आता है, तो कम टेक्निकल सिर्फ इनको पढ़ के चल जाएगा, कोई मोटी किताब पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। नॉर्मल से घटना चक्री पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब आप कर लीजिएगा, ये टॉपिक मैंने बहुत सर्च करके बना दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, खुद हो जाए बहुत अच्छी बात है, अगर टॉपिक कम हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं फिर स्टैंडर्ड किताब पढ़िएगा और घटनाचक पढ़िएगा, दोनों पढ़ के जाइएगा, टेस्ट के रूप में दीजिएगा, नहीं हो पाए तो एक्सप्रेस क्रैश कोर्स मैंने दे रखा है, 93 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट दे रखी है, जिसके में वीडियोस PDF जो है बाइलिंगुअल में कंप्लीट घटनाचक की टेस्ट सीरीज रहेगी, यहाँ से एक टॉपिक रहेगा, फीस 999 रुपए है, तो आप 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। बाकी ये PDF मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, आप वहां से करते हैं, या एक काम कीजिएगा, आप इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप में भी आप इस PDF को बुला सकते हैं, मंगा सकते हैं, वहां भेज दिया जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, मुझे तो वीडियो पसंद आया होगा, धन्यवाद।